हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज की हमारी जो क्लास है वो है एंटमोलॉजी के ऊपर, यानी कि आज हम एंटमोलॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन क्लास से पहले, अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए अड्डा 24/7 और डाउनलोड कीजिए ऐप। इस ऐप में आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, जॉब अलर्ट्स, करंट अफेयर्स, डेली क्विज, जो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट अप करते हैं। सो गो एंड डाउनलोड द ऐप नाउ। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। बी द फर्स्ट वन टू वॉच। अब बात करेंगे आपके एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ऑलरेडी चैनल पर दिख भी रही होगी। सो दिस इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स देयर। ये सिर्फ एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर नहीं हो रहा है, ये जो है आपका पूरा अड्डा 24/7 के मेन चैनल से लेकर सभी चैनल पर ये इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट क्रिएट किया जा रहा है। दिवाली स्पेशल इवेंट है। एंड अगर आपने इस इवेंट में भाई भाग लेना ही लेना, वैसे अगर की कोई बात ही नहीं है, सो फटाफट से इस इवेंट को लाइक करें और डेट नोट कर ले, 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर सुबह 11 बजे सबने ज्वाइन करना है। ऑफ कोर्स दिवाली के आसपास कोई इवेंट हो रहा है और अनिल सर खुद ऑर्गेनाइज उसको कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ स्पेशल, कुछ ना कुछ अच्छा स्टूडेंट्स के लिए होगा ही। सो डू ज्वाइन दिस इवेंट 21 अक्टूबर 11 बजे सुबह। सबने इस इवेंट को ज्वाइन करना है, और अभी क्या करना है, इस इवेंट के लाइक करना है और अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लो, वरना भूल जाओगे कि 11 बजे 21 अक्टूबर को हमने ये अटेंड करना है। प्लीज यूट्यूब हमें नोटिफाई कर दीजिए, ठीक है। तो इस इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है आप सभी लोगों के लिए। जो लाइव बच्चे होंगे, बेनिफिट्स में भी उन्हीं को मिले, तो कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं है, है ना। तो 21 अक्टूबर सुबह 11 बजे आप सब लोगों ने ज्वाइन करना है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड़िया जी ओरिजिनल्स, मतलब चैनल भी हमारा यूट्यूब देखने आ गया है, सीरियल बनाने वाले हैं इससे रिलेटेड, ठीक है जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्रिया दर्शनी, विशु, सिना एंड संध्या, सभी का आपका इस सेशन में स्वागत है। और 21 अक्टूबर सुबह 11 बजे आप सभी लोगों को सादर आमंत्रित है, तो आना है। आप सभी लोगों ने अड्डा 24/7 का बहुत बड़ा इवेंट क्रिएट किया जा रहा है। चलिए, तो अब बात करते हैं एंटमोलॉजी की, क्योंकि क्लास एंटमोलॉजी की है, तो फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एंटमोलॉजी से रिलेटेड। द प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ न्यू डिजीज, इंसेक्ट्स, वीड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्री से कोई नया वीड, नया इंसेक्ट या नई डिजीज ना आए, उसके लिए क्या जो है प्रोहिबिशंस हैं। डस्ट करेक्टराइजेशन की जाती है, सर्टिफिकेशन की जाती है, क्वारंटीन किया जाता है, या फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, या फिर फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। जी हिमेंद्र पटेल, थैंक यू सो मच। क्या होगा आंसर? जी हम सभी जानते हैं इसके लिए क्या है, क्वारंटीन, है ना। क्वारंटीन में हम क्या करते हैं भाई, कि अगर कोई चीज, मान लीजिए लाइक कोविड ही है ना, अगर कोविड में प्रॉपर क्वारंटीन मेजर्स फॉलो किए जाते तो वो चाइना से दूसरी जगह नहीं फैलता, उन्होंने छुपाया इसीलिए फैला है ना। इसी तरीके से कोई नया इंसेक्ट, नई डिजीज या नया वीड हमारी कंट्री में ना आए और हमें परेशान ना करे, इसके लिए ये प्लांट क्वारंटीन भी होता है, ताकि कोई भी नया पैथोजन आकर हमें तंग ना करे, हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय ना करे, जिसको हम कंट्रोल ना कर पाए, है ना। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी आपका आंसर होगा, क्वारंटीन, राइट। चलिए, वेरी गुड, सभी बच्चों को आता है ये आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बायो एजेंट क्राइसोपरला कार्निया इज अ, बायो कंट्रोल के लिए क्राइसोपरला कार्निया का यूज किया जाता है। ये जो बायो एजेंट है ये क्या है, पैरासाइट है, पैरासिटॉइड है, प्रीडेटर है या पेस्ट है।
इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर रहता है या फिर उस पर प्रिडेट करता है या फिर उसका पेस्ट है, क्या है ये? पैरासाइट है, पैरासिटॉइड है, प्रिडेटर है या पेस्ट है? क्राइसोपर्लिया कार्निया। जी वैष्णवी, बता देती हूँ मैं अभी, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, ऐप इज सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। प्रियंका, ऐप इज सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, जस्ट आपको ऐप में जा करके एग्जाम चूज करना होता है। भाई आप टीचिंग से रिलेटेड टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स होते हैं या फिर आप प्रीलिम्स, ये जो आपके नेट के एग्जाम है ये दे रहे हैं, नीट के, सॉरी नॉट नेट के, या तो उसमें आपको जो कैटेगरी चूज करनी है वो एग्रीकल्चर चूज करनी है, दैट्स इट। ठीक है, यस, ये क्या है आपका? क्राइसोपर्ला कार्निया इज योर प्रीडेटर। ये क्या है? प्रीडेटर है। प्रीडेटर कौन होते हैं? जो लाइव इंसेक्ट को कैच करके और उन पर फीड करते हैं, उनको प्रीडेटर कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो वन ऑफ द स्टूडेंट इज आस्किंग अबाउट व्हाट आर डस्ट कैरेक्टराइजेशन एंड व्हाट इज फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। तो डस्ट कैरेक्टर्स क्या होते हैं? देखो, इसके फुल फॉर्म होती है पहले तो डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर आपको किसी भी वैरायटी पर, प्लांट वैरायटी पर शक है कि ये वो वैरायटी नहीं है या टाइम के साथ डिटेरियोरेट हो गई है, तो इस वैरायटी को चेक करने का तरीका होता है डस्ट कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, ये क्या है? ये उस वैरायटी की प्योरिटी चेक करेगी कि वो वैरायटी वही वैरायटी है या कोई और सीड्स उसमें मिक्स है या फिर पूरी ही डिटेरियोरेट हो गई है। तो वैरायटी की प्योरिटी टेस्ट करने के लिए डस्ट कैरेक्टराइजेशन की जाती है। डस्ट कैरेक्टराइजेशन की फुल फॉर्म है डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी। यानी कि उन कैरेक्टर्स को हम फील्ड में उस क्रॉप को लगाकर देखेंगे और उन कैरेक्टर्स को नोट करेंगे जो डिस्टिंक्ट है, जो कि यूनिफॉर्म है और जो स्टेबल है। अब देखो, आप हैं, मैं हूं, क्या डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हमारे हो सकते हैं ना? अरे, मीनाक्षी मैम की हाइट जो है कम थी और दूसरी मैम की ज्यादा थी, है ना? तो ये क्या हमारा डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो गया जिससे आप हमें पहचान रहे हैं। तो जिस चीज से आप उस वैरायटी को पहचानते हैं उसका कोई भी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, अलग कैरेक्टर है ना? तो वो आपने नोट करना है। डिस्टिंक्ट के बाद आता है यूनिफॉर्मिटी। तो यूनिफॉर्मिटी यानी कि वो सब में आना चाहिए, जो भी उसकी वैरायटी के प्लांट्स हैं सब में वो कैरेक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ में प्रेजेंट है और कुछ में एब्सेंट है। जो यूनिफॉर्म कैरेक्टर्स हैं प्लस जो स्टेबल कैरेक्टर्स है, यानी कि आज भी वो क्रॉप में मौजूद है, दो जनरेशन के बाद भी वो क्रॉप में मौजूद है, तो उन जो ट्रेट्स होते हैं उनको कहते हैं स्टेबल कैरेक्टर्स। तो ऐसे कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाई जाती है, जैसे कि वीट क्रॉप है, वीट क्रॉप की प्योरिटी आपने चेक करनी है कि भाई ये यही वेराइटी है या कुछ अलग है, मिक्सचर है। तो उसके लिए उस वेराइटी के, मान लीजिए कैरेक्टर्स दिए हुए 10 दिए हुए, 15 दिए हुए, 20 दिए हुए, 10 कैरेक्टर्स दिए हुए होते हैं, PPVFRA उसकी लिस्ट बना कर देता है। आपने उन कैरेक्टर्स को फील्ड में नोट करना है और मैच करके देखना है कि जो प्लांट ब्रीडर ने डस्ट कैरेक्टर्स सबमिट किए थे और आपने जो डस्ट कैरेक्टर्स नोट किए, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं मतलब वैरायटी प्योर है, मैच नहीं कर रहे मतलब वैरायटी में दिक्कत है, इसमें कुछ ना कुछ झोल है। ठीक है, तो ये डस्ट कैरेक्टराइजेशन होती है। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स क्या है? देखिए, अगर मैं आपको कोई भी सीड मटेरियल दे रही हूँ, कोई प्लांटलेट दे रही हूँ, उसके साथ मैं फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट देती हूँ कि मेरा सीड फ्री ऑफ पैथोजेंस है या मेरा सीड फ्री ऑफ इंसेक्ट है, तो ये जो है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट में मेंशन्ड होता है। ठीक है, दिस इज योर फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। इन सब में क्या डिफरेंस है? चलो अब ये भी कर लेते हैं। देखो, पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं जो दूसरे इंडिविजुअल से न्यूट्रिशन डराइव करते हैं, उसको पैरासाइट कहते हैं, है ना? तो पैरासाइट अब दो टाइप के होते हैं, एक्सो पैरासाइट एंड एंडो पैरासाइट। अगर वो बाहर आपकी बॉडी के बाहर रहकर, मान लीजिए ये पेन है, ये पैरासाइट है, ये मेरी बॉडी पर यहाँ चिपक कर मेरा खून पी रहा है, मेरे से न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहा है, मुझे कमजोर कर रहा है, तो ये क्या, ये एक्सो पैरासाइट है। वहीं
कोई भी छोटा पैथोजन है, माइक्रोबियल साइज है, जो कि मेरे अंदर रहता है ना, बॉडी के अंदर रहता है, और वो मुझसे न्यूट्रिशन डराइव कर रहा है, मुझे वीक कर रहा है, तो उसको कहते हैं एंडो पैरासाइट, है ना। तो कोई भी चीज है ना, जो भी छोटी है साइज में, वो अगर अंदर रहती है और आपसे न्यूट्रिशन डराइव करके आपको कमजोर कर रही है, तो एंडो पैरासाइट है। बाहर रहती है तो एक्सो पैरासाइट है। पैरासिटॉइड क्या होता है? अब देखो, पैरासाइट जो है बॉडी के अंदर रहे या बाहर रहे, लेकिन वो फ्री नहीं रहते, वो आप पर डिपेंडेंट है, वो न्यूट्रिशन आपसे ले रहे हैं। लेकिन पैरासिटॉइड्स क्या होते हैं कि वो किसी एक स्टेज पर ही आप पैरासाइट बनते हैं। मान लीजिए उसका पूरा लाइफ साइकिल 5 साल का है, 5 साल में 2-4 महीने ऐसे आते हैं जिस पर उसको दूसरों से न्यूट्रिशन डिराइव करना पड़ता है, पैरासाइट बनना पड़ता है। तो ये पूरी जिंदगी पैरासाइट नहीं होते, अपनी कुछ स्पेसिफिक स्टेज में ही पैरासाइट होते हैं। ऐसे पैरासाइट्स को पैरासिटॉइड कहते हैं, ठीक है। प्रीडेटर्स कौन से होते हैं? देखो, प्रीडेटर्स तो वो होते हैं जो लाइव एनिमल को कैच करके खाते हैं, जैसे कि आपका शेर है ना। शेर कभी भी मरे हुए डियर पर फीड नहीं करेगा, जो डियर चल रहा है, चर रहा है, खा पी रहा है, उस पर अटैक करेगा, उसको मारेगा और फिर खाएगा। तो ये क्या है? प्रीडेटर है। जो लाइव एनिमल्स को मारकर खाते हैं वो प्रीडेटर्स होते हैं। जो मरे हुए पर फीड करते, डिफरेंट टाइप ऑफ, ये कह लीजिए इंडिविजुअल हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं और बायो कंट्रोल में यूज भी होते हैं। और पेस्ट किसको कहते हैं? एनीवन, चाहे बाहर रह रहे, अंदर रह रहा है, आप पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, डजेंट मैटर। आपको उससे परेशानी अगर हो रही है तो वो आपके जिंदगी में क्या है? पेस्ट है, ठीक है। तो पेस्ट जो है थोड़ी लार्जर टर्म है। यस, हेड लाउस इज एक्सो पैरासाइट, ठीक है। हेड लाउस क्या है? एक्सो पैरासाइट है, क्योंकि वो आपके सर में रहती है, बाहर रहती है, लेकिन आपके खून पर वो फीड कर रही है ना, आप खून चूस रही है बेसिकली, तो वो क्या है? वो एक्सो पैरासाइट है ना। चलिए अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन प्रिडिक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी विद इन द फील्ड इज कॉल्ड एज, फील्ड के अंदर ही जब आप पॉपुलेशन प्रिडिक्शन करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? फॉरकास्टिंग कहते हैं, हेमोस्पोरा कहते हैं, सर्वेलेंस कहते हैं, या पेस्ट स्काउटिंग कहते हैं। पेस्ट की पॉपुलेशन का जो आप अनुमान लगाते हैं पर्टिकुलर स्पीशी का फील्ड के अंदर ही, तो इसे क्या कहते हैं? फॉरकास्टिंग कहते हैं, हीमोस्पोरा कहते हैं, सर्वेलेंस कहते हैं, या पेस्ट स्काउटिंग कहते हैं। क्या कहेंगे जी? क्या कहते हैं इसको? पेस्ट स्काउटिंग, है ना। क्या कहते हैं इसको? पेस्ट स्काउटिंग। तो इसको पेस्ट स्काउटिंग कहा जाता है। द स्प्रेडिंग हैबिट ऑफ द क्रॉप कॉज्ड बाय इंसेक्ट विच मेक्स कल्टीवेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग मोर डिफिकल्ट प्रोसेस इज। स्प्रेडिंग हैबिट है उस क्रॉप की, जिसकी वजह से इंसेक्ट उसके जो वीडिंग है, कल्टीवेशन है, हार्वेस्टिंग है, वो डिफिकल्ट हो जाती है। अभी उसकी स्प्रेडिंग हैबिट क्यों हुई है? वो एक इंसेक्ट की वजह से हुई है, मतलब प्लांट ज्यादा बाहर की तरफ फैलने लगता है। ऑफ कोर्स देखो, अब प्लांट अगर बाहर की तरफ ज्यादा फैलने लगेगा इस तरीके से, तो ये प्लांट आपस में क्या हो जाएंगे? मिलने शुरू हो जाएंगे। अब ये मिलने शुरू हो जाएंगे तो इनकी हार्वेस्टिंग करना, इनकी वीडिंग करना, इंटरकल्चरल ऑपरेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हीमोस्पोरा कहते हैं, अगेन फॉरकास्टिंग कहते हैं, सर्वेलेंस कहते हैं, या पेस्ट स्काउटिंग कहते हैं। स्प्रेडिंग हैबिट डेवलप होना क्रॉप के प्लांट्स में इंसेक्ट की वजह से, इसको क्या कहते हैं? हेमोस्पोरा, फॉरकास्टिंग, सर्वेलेंस और पेस्ट स्काउटिंग। देखो, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता ही है ना, ये हैबिट से रिलेटेड तो नहीं है, ना फॉरकास्ट, ना सर्वेलेंस, ना पेस्ट स्काउटिंग। तो आंसर हमारा क्या बचेगा? आंसर हमारा बचेगा हेमोस्पोरा, है ना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हीमोस्पोरा कहते हैं, राइट। तो ए विल बी योर आंसर। एन
एग पैरासिटॉइड ऑफ लेपिडोप्टरस इंसेक्ट इज, एक एग पैरासिटॉइड लेपिडोप्टरस इंसेक्ट का कौन सा है? लेपिडोप्टरस इंसेक्ट यानी कि मोथ जिससे बिलोंग करती है या बटरफ्लाई जिससे बिलोंग करती है, वो लेपिडोप्टरा ऑर्डर के होते हैं। उनमें एक पैरासाइट के लिए, एक पैरासाइट है इसलिए उसको बायो कंट्रोल यूज किया जाता है कि वो उसमें पैरासिटाइज करेगा, उसको मार देगा और हमारा काम आसान हो जाएगा, है ना। तो इसमें कौन सा पैरासाइट या पैरासिटॉइड जो है यूज किया गया है? ट्राइकोग्रामा यूज किया है, एपेंटेलिस यूज किया गया है, वाटर जॉइंट बिटल यूज किया गया है, या फिर इक्यूनोमोन किया हुआ है? यस, द आंसर इज ट्राइकोग्रामा, है ना। ट्राइकोग्रामा कार्ड्स हम यूज करते हैं ना, जितने भी आपके क्वार्टर में, जैसे कि आपके स्पॉटेड बॉलवॉर्म्स हैं, पिंक बॉलवॉर्म्स हैं, और भी आपके जो भी लेपिडोप्टरन इंसेक्ट है, इनमें क्या यूज किया जाता है? ट्राइकोग्रामा यूज किया जाता है ना। तो ट्राइकोग्रामा स्पीशी इज द राइट आंसर। द पैरासाइट विच रिक्वायर्स ओनली वन होस्ट फॉर इट्स कंप्लीट लाइफ साइकिल इज, पूरी लाइफ साइकिल के इसको एक ही होस्ट चाहिए होता है, ऐसे पैरासाइट को क्या कहते हैं? मोनोजिनॉक्स पैरासाइट कहते हैं, जूफेगस पैरासाइट कहते हैं, फाइटोफेगस पैरासाइट कहते हैं, या एंटोमोफेगस पैरासाइट कहते हैं। ऐसा पैरासाइट जिसको पूरी जिंदगी एक ही होस्ट में बितानी है, उसे क्या कहेंगे? मोनोजिनॉक्स पैरासाइट कहेंगे, जूफेगस पैरासाइट कहेंगे, एंटोमोफेगस पैरासाइट कहेंगे, या फिर फाइटोफेगस पैरासाइट कहेंगे? यस, द आंसर इज मोनोजिनस। देखो, जूफेगस क्या होता है? जो कि दूसरे एनिमल्स पर फीड करे, है ना, दैट इज विल बी जूफेगस। फाइटोफेगस जो प्लांट्स पर फीड करे, एंटोमोफेगस जो इंसेक्ट पर फीड करे। तो ये फीडिंग के बेसिस पर है। मोनो मीन्स वन, तो वन होस्ट किसको चाहिए होता है? मोनोजिनॉक्सियस पैरासाइट को चाहिए होता है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर हमारा आएगा ए। कुटेशिया फ्लेविपेरस इज एंडो लार्वल पैरासाइट ऑफ, कुटेशिया फ्लेविपेरस इज एंडो लार्वल पैरासाइट ऑफ शुगर केन स्टेम बोरर, शुगर केन टॉप बोरर, शुगर केन रूट बोरर और शुगर केन बैक ब्लैक बोरर। जो आपका कुटेशिया फ्लेविपेरस है, ये एंडो लार्वल पैरासाइट है, यानी कि लार्वल स्टेज पर पैरासाइट करता है। लेकिन ये किसका पैरासाइट है? ये किसका पैरासाइट है? जल्दी बताओ। कोटेशिया फ्लेविपिस किसका पैरासाइट है? ए बी? चलो, द आंसर इज आई गेस ए, यस, शुगरकेन स्टेम बोरर। ठीक है, आंसर क्या है इसका? शुगरकेन स्टेम बोरर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द इंग्रेडिएंट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिक इफेक्ट इज कॉल्ड एज, ऐसे इंग्रेडिएंट पेस्टिसाइड की फॉर्मुलेशन में जो ऐड किए जाते हैं, जो टॉक्सिक इफेक्ट देते हैं, उनको क्या कहते हैं? एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं, इंसर्ट इंग्रेडिएंट कहते हैं, डॉज कहते हैं, या पेस्टिसाइड कहते हैं। ऐसे इंग्रेडिएंट जो पेस्टिसाइड में यूज किए जाते हैं, जो टॉक्सिक इफेक्ट रखते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट को आप क्या कहेंगे? एक्टिव इंग्रेडिएंट कहेंगे, इंसर्ट इंग्रेडिएंट कहेंगे, डॉज कहेंगे, या पेस्टिसाइड कहेंगे? बहुत सिंपल सा आंसर है, इसको हम क्या कहने वाले हैं? एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कहने वाले हैं, ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। क्योंकि हमें कैलकुलेट भी जब हम करते हैं तो एक्टिव इंग्रेडिएंट कैलकुलेट करते हैं कि उसमें बहुत सारे इमल्सीफायर डाले जा रहे हैं, उसमें बेस डाला जा रहा है, उसमें इनर्ट डाला जा रहा है, ताकि उसकी उसे डायल्यूट किया जा सके, उसका बेस बनाया जा सके, उसकी वॉल्यूम बढ़ाई जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं, लेकिन एक्टिव इंग्रेडिएंट इज दैट इंग्रेडिएंट जिससे इंसेक्ट मरने वाला है, जो पॉइजन का काम कर रहा है, टॉक्सिन का काम कर रहा है। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा? ए आपका आंसर आएगा। The
पेस्टिसाइड विच इज यूज्ड फॉर किलिंग और कंट्रोलिंग द एग्स ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एज, इंसेक्ट के एग्स को मारने या फिर उन्हें कंट्रोल करने के काम में आते हैं, तो ऐसे पेस्टिसाइड को क्या कहेंगे? एविसाइड कहेंगे, ओविसाइड कहेंगे, पेस्टिसाइड ही कहेंगे या फंजीसाइड कहेंगे? द पेस्टिसाइड्स विच आर यूज्ड फॉर किलिंग और कंट्रोलिंग एग्स ऑफ इंसेक्ट क्या होगा? बी बी हाँ, तो ओवी पॉजिटिव ओवी साइड कहेंगे, है ना? ओवी मीन्स ओवर, ओवम मीन्स एग, है ना? तो एग के कंट्रोल के लिए या एग को किलिंग के लिए जो पेस्टिसाइड या जो केमिकल यूज किए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? ओविसाइड कहेंगे। सो आंसर हमारा क्या होगा? बी हमारा आंसर होगा। वेरी इजी टू लाइक क्या कह सकते हैं, गेस करना, इजी टू गेस करना इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोस्पर्मिक सीड, इनमें से कौन सा एंडोस्पर्मिक सीड नहीं है? कैस्टर, मेज, राइस, ग्राम, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एंडोस्पर्मिक सीड? क्या होगा एंडोस्पर्मिक सीड? कैस्टर, मेज, राइस, ग्राम। आंसर इज ग्राम। ठीक है, आंसर इज ग्राम। ग्राम इज नॉट एन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म आपके इंसेक्ट सॉरी सीड में प्रेजेंट होता है, जो कि सीड को सीडलिंग को, ग्रोइंग सीडलिंग को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। इसमें न्यूट्रिशन स्टोर्ड होता है। तो एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब क्या है कि उसके बाद उसमें न्यूट्रिशन बच गया तो वो एंडोस्पर्मिक सीड है, नहीं बचते उसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। तो ग्राम में सारा जो एंडोस्पर्म है वो ग्रोइंग सीडलिंग के साथ खत्म हो जाता है, तो क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। लाइकेंस इज एन एसोसिएशन ऑफ, लाइकेंस किसकी एसोसिएशन में होते हैं? एल्गी एंड फंगस की एसोसिएशन है, फंगस एंड वायरस की एसोसिएशन है, बैक्टीरिया एंड फंगस की एसोसिएशन है, एल्गी एंड वायरस की जो है एसोसिएशन है। लाइकेन इज एन एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस, फंगस एंड वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगस, एल्गी एंड वायरस। विंग्स फ्लैक्सिंग मैकेनिज्म बच्चे प्रॉपरली आई कैन नॉट टेल यू राइट नाउ, कल आई कैन जस्ट लेट यू नो व्हाट इज विंग फ्लैक्सिंग मैकेनिज्म। जी हाँ, ये क्या है? एल्गी एंड फंगस, एल्गी एंड फंगस की एसोसिएशन है ना, दोनों के एसोसिएशन से क्या बनते हैं? लाइकेंस बनते हैं। आंसर क्या होगा? ए आपका आंसर होगा। विटामिन B2 इज प्रोड्यूस्ड बाय, विटामिन B2 इनमें से किसके द्वारा प्रोड्यूस की जा सकती है? एशबाया गोसिपाई की हेल्प से की जा सकती है, ब्रेवी बैक्टीरियम स्पीशी की वजह से की जा सकती है, स्यूडोमोनास की हेल्प से की जा सकती है, या फिर नन ऑफ द अबव। इनमें से विटामिन B2 के प्रोडक्शन के लिए आप किसको यूज कर सकते हैं? विटामिन B2 इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ दीज? विटामिन B2 जो है आपकी एशबाया गोसिपाई की हेल्प से प्रोड्यूस की जा सकती है। सो द आंसर विल बी ए। विटामिन B2 का कॉमन नाम बताइए जरा, किस नाम से जानते हैं हम इसको जनरली? विटामिन B2 का कॉमन नाम जल्दी बताओ, विटामिन B2 का कॉमन नाम राइबोफ्लेविन। ठीक है,
विटामिन बी टू को किस नाम से जानते हैं? राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, ए सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड प्लांट क्वारंटीन सर्विस दैट इंडिकेट्स अ सैंपल इज सब्सटेंशली फ्री फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट इज कॉल्ड एज। कोई भी सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है जो कह रहा है कि भाई मेरा जो प्लांटिंग मटेरियल है इज फ्री फ्रॉम एनी पेस्टिसाइड, फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, तो नॉट पेस्टिसाइड सॉरी, फ्री फ्रॉम पेस्ट और फ्री फ्रॉम डिजीज, राइट। तो ऐसे सर्टिफिकेट का क्या नाम होता है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, क्रॉप सर्टिफिकेट और फील्ड सर्टिफिकेट। जी हाँ, विटामिन बी टू सबसे ज्यादा बेल में होती है ना, बेल पत्र वाला बेल, जिसके पत्ते हम लॉर्ड शिवा को ऑफर करते हैं, है ना। यस, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, इनको हम क्या कहेंगे? फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट कहेंगे। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स आर, इनमें से कौन से बेस्ट एग्जाम्पल हैं पैरासाइट्स के? इक्यूनोमोन और फ्लीज, ट्राइकोग्रामा और हॉर्स फ्लाई, कोटेशिया स्पीसी या फिर ऑल ऑफ द अबव। बेस्ट पैरासाइट्स के एग्जाम्पल इनमें से कौन से हैं? व्हाट आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट्स? इक्यूनोमोन्स, फ्लाइज, ट्राइकोग्रामा, हॉर्स फ्लाई, कोटेशिया स्पीशी। तो ये सारे हम ऑलरेडी जो है अभी कर चुके हैं ना, इक्यूनोमोन्स एंड फ्लीज ये आपके पैरासाइट्स होते हैं, मैं आपको क्लासिफिकेशन में भी बता चुकी हूँ। ट्राइकोग्रामा पैरासिटॉइड है, हॉर्स फ्लाई भी पैरासाइट है, कोटेशिया का भी हम कर चुके हैं किसका पैरासाइट है ना, तो ये सारे ऑलरेडी क्लास में ही कवर हो गए। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव, राइट। मेरी क्लास की टाइमिंग बच्चों 11 बजे ही है। मंडे को हम 11 बजे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं। वेडनेसडे को, वेडनेसडे है ना आज, हाँ, तो वेडनेसडे को हम दिस एंटमोलॉजी पढ़ते हैं, और फ्राइडे को हम सीड साइंस, सेरिकल्चर, एपिकल्चर, जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। यस, तो यहां पर आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। द पेस्टिसाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग एलिमेंट विदाउट कार्बन इज कॉल्ड एज। नेचुरल एलिमेंट से निकाला गया है पेस्टिसाइड, एक्सट्रैक्ट किया है, बट इसमें कार्बन नहीं है, विदाउट कार्बन। तो ऐसे पेस्टिसाइड को आप ऑर्गेनिक कहेंगे, इनऑर्गेनिक कहेंगे, फ्यूमिगेंट कहेंगे या नेचुरल पेस्टिसाइड कहेंगे। ऐसे पेस्टिसाइड जिनमें नेचुरल तो है लेकिन कार्बन मौजूद नहीं है, इनको आप क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फ्यूमिगेंट या फिर नेचुरल पेस्टिसाइड्स कहेंगे। क्या कहने वाले हम इनको? यस, सो द आंसर इज इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, ऑर्गेनिक्स इनऑर्गेनिक्स पूरा आपका जो है टेबल बना हुआ होता है ना। सो मेटेलिक्स आर इनऑर्गेनिक्स, लेकिन वो भी नेचर में ही पाए जाते हैं, हम उनको बनाते तो नहीं है ना। सो दे आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स। मोनोक्रोटोफोस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, मोनोक्रोटोफोस इनमें से किसका एग्जाम्पल है? ऑर्गेनोफोस्फोर फॉस्फोरस पेस्टिसाइड का है, कार्बामेट्स का है, ऑर्गेनो टाइलोराइन पेस्टिसाइड्स का है या फिर पायरीथ्रोइड्स का एग्जाम्पल है? मोनोक्रोटोफोस इनमें से किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ मोनोक्रोटोफोस, ऑर्गेनोफोस्फोरस पेस्टिसाइड, कार्बामेट्स, ऑर्गेनो टाइलोराइन और पायरीथ्रोइड्स। आंसर क्या आएगा? मोनोक्रोटोफोस। तो मोनोक्रोटोफोस से यहां पता चल रहा है फोस्फोरस इसमें अवेलेबल है ना, तो ये क्या है? ऑर्गेनोफोस्फोरस पेस्टिसाइड है। तो आंसर क्या होगा आपका? ए आंसर होगा। साइपोमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, परमेथ्रिन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल है? ऑर्गेनोफोस्फोरस के हैं, पायरीथ्रोइड्स के हैं, ऑर्गेनोक्लोराइन के हैं या कार्बामाइट के हैं? साइपोमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, परमेथ्रिन, ऑर्गेनोफोस्फोरस, पायरीथ्रोइड्स, ऑर्गेनोक्लोराइड और कार्बामेट।
आंसर इज पायरीथ्रॉइड. साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन क्या है आपके? पायरीथ्रॉइड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. सो आंसर यहां पर क्या होगा? बी आपका आंसर होगा, पायरीथ्रॉइड. अ मिक्सचर इंक्लूडेड पेस्टिसाइड विच डू नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द एफिकेसी ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड एज. एक ऐसा मिक्सचर बनाया गया है पेस्टिसाइड का कि वो एक दूसरे की एफिशिएंसी को ना इंक्रीज करते हैं ना डिक्रीज करते हैं. तो ऐसे मिक्सचर को आप क्या कहेंगे? एडिटिव मिक्सचर कहेंगे, एंटागोनिस्टिक मिक्सचर कहेंगे, पोटेंशिएटिंग मिक्सचर कहेंगे, या फिर नन ऑफ दीज. एडिटिव मिक्सचर, एंटागोनिस्टिक मिक्सचर्स, पोटेंशिएटिंग मिक्सचर्स और नन ऑफ दीज. यस, द आंसर इज ए, एडिटिव मिक्सचर. आंसर क्या है? एडिटिव मिक्सचर. इनको एडिटिव मिक्सचर कहेंगे. एंटागोनास्टिक कौन से होंगे? जो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, जो एक दूसरे को, एक की एफिशिएंसी को काट रहा है, कम कर रहा है, वो एंटागोनास्टिक होंगे. ये कौन से होंगे? ये एडिटिव होंगे. ठीक है. द ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड विच मेक्स पेस्ट अनेबल टू रिप्रोड्यूस. ऐसे ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड जो आपके जो इंसेक्ट है उनको स्टेराइल कर देता है, आगे वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, उनकी पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ पाती है ना. तो ऐसे जो पेस्टिसाइड है उनको हम क्या कहते हैं? स्टेरिलेंट कहते हैं, प्रोटेक्टेंट कहते हैं, सेलेक्टिव कहते हैं, या फ्यूमिगेंट कहते हैं. ऐसे पेस्टिसाइड जिनकी वजह से इंसेक्ट रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाता, आगे अपनी प्रोजनी को बढ़ा ही नहीं पाता, इनको क्या कहते हैं? स्टेरिलेंट कहते हैं, प्रोटेक्टेंट कहते हैं, सेलेक्टिव कहते हैं, या फ्यूमिगेशन कहते हैं, फ्यूमिगेंट्स कहते हैं. यस, द आंसर इज स्टेरिलेंट्स, क्योंकि ये इंसेक्ट को स्टेराइल बनाते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो इनको स्टेरिलेंट्स कहते हैं. सुमित, ऑलरेडी करवा दिया बच्चा, कल आपका हरियाणा एडीयू की आंसर कीज हम लोग दे चुके हैं, तो वो आंसर की आप चेक कर सकते हैं हरियाणा एडीयू की. ठीक है, कल अपनी वीडियोस में एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर जाकर वीडियोस में देखिएगा, कल ही ऑलरेडी हो चुके हैं हरियाणा एडीयू की आंसर की हम आपको दे चुके हैं. द पेस्टिसाइड डज नॉट अलाउ लार्वल इंसेक्ट पेस्ट टू मॉल्ट फर्दर. ऐसे पेस्टिसाइड जो लार्वे को आगे बढ़ा ही नहीं होने देते, उसको मॉल्टिंग ही नहीं करने देते हैं, ऐसे इंसेक्ट को क्या कहेंगे? इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर कहेंगे, फ्यूमिगेंट कहेंगे, स्टेरिलेंट कहेंगे, या प्रोटेक्टेंट कहेंगे. ऐसे पेस्टिसाइड जिनकी वजह से इंसेक्ट ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, मॉल्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे इंसेक्ट को हम क्या कहेंगे? इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर. क्या कहेंगे? इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर. ए विल बी द राइट आंसर. व्हाट कलर शो एक्सट्रीम हजार्ड टू ह्यूमन बीइंग. कौन सा कलर शो करता है इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स पर जो मेंशन होता है, जिसका मतलब होता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, हजार्डियस है सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए? रेड, ब्लू, येलो या ब्राउन? रेड, ब्लू, येलो या ब्राउन? जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग लिंगराज. यस, आंसर इज ए, रेड कलर है ना, रेड कलर. और लीस्ट कौन सा होता है, सबसे कम खतरनाक कौन सा होता है, सबसे कम खतरनाक कौन सा कलर होता है, जल्दी बताओ. भाई लाइक में इतनी कंजूसियां मत किया कीजिए, पैसे नहीं लगते हैं लाइक के. फटाफट से क्लास को लाइक करो, टीचर्स को भी पता चले बच्चों को क्लास अच्छी लग रही है. यस, ग्रीन कलर. ग्रीन कलर क्या है? लीस्ट हजार्डियस होगा, है ना. चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्विज. आज के क्विज में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपने फ्राइडे की सुबह 11 बजे वाली क्लास में, जिसमें हम सीड साइंस, एग्रीकल्चर या एपिकल्चर कुछ भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, राइट. बेसिकली तो अभी सीड साइंस ही चल रहा है, पहले सीड साइंस कंप्लीट कर लेते हैं.
सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास गाइस. डू नॉट फॉरगेट जो मैंने आपको शुरू में बताया था, 21 तारीख अक्टूबर 11 बजे आपका बहुत बड़ा इवेंट अड्डा 24/7 ऑर्गेनाइज कर रहा है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. वी आर फॉर स्टूडेंट्स ओनली. तो कुछ हो रहा है तो आप लोगों के लिए ही हो रहा है, तो आप लोगों को वो ज्वाइन जरूर करना है. एंड दीज आर योर बैचेस. IBPS AFO का बैच है आपका, FCI का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 28 अक्टूबर से. 28 अक्टूबर से आपका नया बैच शुरू हो रहा है. जो भी लोग FCI की तैयारी कर रहे हैं फटाफट से एनरोल करो. दिस इज द लास्ट बैच, इसके बाद बैचेस नहीं आएंगे. एंड दिस इज आपका IBPS AFO का बैच. दोनों बैचेस में ज्वाइन करने के लिए फीस यहाँ पर मेंशन की हुई है, लेकिन इसके लिए आपको कूपन कोड का यूज करना है Y448. 4 + 4 8 होते हैं. एंड अपनी प्रिपरेशन को अच्छा सा बूस्टअप दीजिए भाई. बहुत जरूरी है कंसेप्ट क्लियर करना. हरियाणा एडीओ के पेपर से आप सभी लोगों को ये समझ आ गया होगा. वो क्वेश्चंस डायरेक्टली एज सच गिवन नहीं थे, पूरे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे. एंड जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का काफी अच्छा पोर्शन भी आया था, लेकिन जो दूसरे पोर्शन भी आए थे जो इजी थे वो बहुत इजी थे, वो सबको आते थे. अदरवाइज बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे. इसीलिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थ्योरी क्लासेस का होना जरूरी है. और आप मेरे पीछे देख रहे हैं एग्रीकल्चर महापैक. एग्रीकल्चर महापैक में आपको पूरे साल लाइव क्लासेस मिलती है. आप डिफरेंट एग्जाम देते ही रहते हैं ना, कभी हरियाणा एडीओ दे के आए हैं, IBPS AO की तैयारी करेंगे, फिर FCI भी देंगे, फिर नाबार्ड आएगा, नाबार्ड को भी देंगे, है ना. तो पूरे साल जो लोग एग्जाम देते रहते हैं उनके लिए एग्रीकल्चर महापैक इज द बेस्ट सोल्यूशन. आपको हर बैच में अलग से एनरोल नहीं करना पड़ता है. इनकी सभी की लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, साथ ही साथ इनकी टेस्ट सीरीज और ई बुक्स भी आपको मिलती हैं. सो यू कैन हैव एग्रीकल्चर महापैक, जिन्होंने पूरे साल लगातार तैयारी करनी होती है. अपनी तैयारी को अच्छे कंसेप्ट के साथ क्लियर करके टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, पूरी तैयारी करनी है, तो एग्रीकल्चर महापैक इज द बेस्ट सोल्यूशन. ओके, दोनों का एक बैच बच्चा आपको एग्रीकल्चर महापैक में ही मिलेगा. दोनों का एक बैच नहीं हो सकता है. AFO का सिलेबस ज्यादा है एग्रीकल्चर वाला पोर्शन, और FCI का काफी कम एग्रीकल्चर का पोर्शन है. तो इनके अलग अलग क्लासेस चलती हैं, तो आप एग्रीकल्चर महापैक ले सकते हैं. कॉम्बिनेशन बैच इनमें कोई भी नहीं मिलेगा. ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर पेशेंस एंड फॉर हियरिंग मी. एंड क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें. और कैसे इन बैचेस में एनरोल करना है ये मैं आपको बता देती हूँ. साथ ही साथ मैंने आपको जो इवेंट बताया है 21 अक्टूबर सुबह 11 बजे, उसके इवेंट पर जाकर उसको लाइक करें, उसकी नोटिफिकेशन ऑन करें, और सुबह 11 बजे 21 अक्टूबर को सबको आना है. ठीक है, तो चलो अब यहाँ से हम चलते हैं अड्डा 24/7 की विजिट पर. वैसे आप चाहें तो फिजिकली भी विजिट कर सकते हैं. ठीक है, अभी हम वर्चुअल विजिट पर चलते हैं, है ना. अड्डा 24/7 टाइप करेंगे, इस तरीके से आपकी साइट खुलेगी. साइट खुलकर यहाँ ऑल कोर्सेज में जाइए, नीचे एग्रीकल्चर चूज कीजिए. एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे एग्जाम्स आपको दिखेंगे. आप AFO की तैयारी कर रहे हैं, इसे सेलेक्ट कीजिए. उससे रिलेटेड सारे लाइव बैचेस आपको यहाँ पर दिखेंगे, है ना. तो जिस भी बैच में आपने एनरोल करना है, भाई एग्रीकल्चर महापैक में करना है, IBPS AFO में करना है, तो उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है. डिस्क्रिप्शन में सब कुछ गिवन होता है. इस बैच में प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो रही है, कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, पूरी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन होती है. आपको सही लगे तो बाय नाउ पर क्लिक करें, एक नई विंडो आएगी. इस नई विंडो में यहाँ पर आपको अपना कूपन कोड लगाना होता है, विच इज Y448. और जैसे ही अप्लाई करेंगे Y448 में, तो ये क्या होगा, 3220 इसका प्राइस हो जाएगा. यानी कि आपको सिर्फ इतना ही पे करना है, आपको 13,000-14,000 पे नहीं करना है. जस्ट 3,220 में आपको प्री और मेंस के सारे सब्जेक्ट की फुल अच्छे से सारे कंसेप्ट के साथ जो है प्रिपरेशन करवाई जाएगी. ठीक है जी, एग्री महेश. देयर इज अ नो हेल्पलाइन नंबर, देयर इज अ हेल्पलाइन ईमेल एड्रेस. यू कैन ईमेल एट support@adda247. इस पर आप मेल कर सकते हैं, आपको जो भी परेशानी हो उससे रिलेटेड, दैट विल बी सॉल्व विद इन 2 डेज, ऐसा वो कहते हैं भाई. तो ये पूरा टेक्निकल टीम का काम है, ये हमारा काम नहीं है. बट आपको अगर कोई क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप वहां पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं. ओके,
जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग उपाध्याय जी, वेरी लेट इन क्लास, वी हैव फिनिश्ड द क्लास, ओके चलिए गुड बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं अपने नए सेशन में जो कि 4 बजे होगा, FCI की क्लास, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।